अगर एक आदमी इलॉजिकल बात मानता है तो वो बेवकूफ है, अगर 10 करोड़ आदमी एक इलॉजिकल बात मानते हैं तो धर्म हो गया। ए शट अप या कुणाल, शट अप या कुणाल, शट अप या कुणाल, शट अप या कुणाल, शट अप या कुणाल। But sir, coming to your faith, you follow no faith, you are an atheist, proud atheist in public. और मैं सोचता हूँ कि you have to be as talented as Javed Akhtar to be an atheist publicly. Because India is, I don't know if we are still accepting to atheism. देखिए, अब किसी को तो बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है और बांधनी चाहिए, वक्त आ गया है। और एथीस वर्ड मत बोलिए, आप बोलिए रैशनलिस्ट। आई एम नॉट अगेंस्ट रिलीजन, आई एम अगेंस्ट फेथ। फेथ का मतलब क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड बिलीफ? मैं ये बिलीव करता हूँ कि नॉर्थ पोल है। मैंने नॉर्थ पोल देखा नहीं, मगर मैं बिलीव करता हूँ, तो इसे मेरी फेथ कहेंगे आप? नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए कि एक लॉजिक है कि भाई अगर गोल है दुनिया तो ऊपर कोई हिस्सा होगा, नीचे कोई हिस्सा होगा, ऊपर के हिस्से को नॉर्थ पोल कहते हैं। और लोग कुछ हैं जो गए भी हैं, तस्वीरें वगैरह भी लाए हैं। अच्छा, और अब मैं भी चाहूँ अगर इतनी इज्जत है तो जाके देख सकता हूँ। और यानी रैशनल विटनेस, लॉजिक, कॉमन सेंस इसके फेवर में, इसलिए ये बिलीफ है, फेथ नहीं। फेथ का मतलब ये है कि आप कोई ऐसी बात माने जिसका ना कोई विटनेस हो, ना कोई गवाही हो, ना कोई सबूत हो, ना कोई वजह हो, ना कोई उसका लॉजिक हो, ना उसका कोई रीजन हो, उसके बाद भी उस बात को माने तो वो फेथ हुई। तो फेथ में और स्टुपिडिटी में क्या फर्क है, ये मैं समझ नहीं पाया हूँ। अगर मैं कोई ऐसी बात मानूँ जिसके ना कोई लॉजिक है, ना कोई रीजन है, ना कोई गवाही है, ना कोई सबूत है, और मैं मान रहा हूँ, तो वो बेवकूफ़ी क्यों नहीं है? यही तो बेवकूफ़ी की बात होगी ना। I have absolutely no argument with the fact that reason is the highest condition of man as we understand it. But is there not space for something beyond our empirical understanding? Of course there is. But there is no halo around it. There is nothing like spiritual about it. When you look at the fan, and that the fan is running on full speed, you can't see the blades. It doesn't mean there are no blades. You know, when you think very quickly, you may not see the reason, but when you will sit back and analyze it, if the conclusion is right, then there is a logical step behind it. So what do you live with then? If you don't live with a belief system, what do you live with? You know, you're talking of extremities, but what... How about common sense? You know, in its refined form, not as religion, not as public religion, but as faith, can sometimes be the impulse for also the most noble of human endeavor, whether it's art. No doubt about it. The faith can make you do wonderful things and the worst thing possible. These suicide bombers are people of faith. If they would have been reasonable, they wouldn't have done that. But equally, Javed sir, so faith is a blind power. Faith paralyzes your mind, and now you are capable of doing something exceptionally good and something exceptionally bad, but you are out of control. तो एक काम करिए, world map लीजिए और mark कीजिए कि कहाँ कहाँ religion ज़्यादा है। और फिर दूसरा world map लीजिए, उसमें mark कीजिए कहाँ कहाँ ज़ुल्म ज़्यादा है, ना इंसाफी ज़्यादा है, exploitation ज़्यादा है। तो आपको मालूम होगा ये तो एक ही जगह है। तो अगर धर्म रोक सकता होता इंसान को बुराई करने से, तो वो इलाके ज्यादा अच्छे लोगों के होने चाहिए थे जहां धर्म ज्यादा माना जाता है। और हम ये देखते हैं कि जिन इलाकों में रिलीजन का असर खत्म हो गया है, वहां कंपैरेटिवली लोग बेटर हैं, जैसे वेस्टर्न यूरोप। मैं नहीं कहता बिल्कुल दूध के धुले हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मिडिल ईस्ट से बेहतर है या लैटिन अमेरिका से बेहतर है समाज वहां का। यहाँ कम माना जाता है, वहां ज्यादा माना जाता है। हिंदुस्तान में ही ले लीजिए, जिन इलाकों में ज्यादा माना जाता है वहां की हालत देख लीजिए, जहां कंपैरेटिवली कम माना जाता है वहां की देख लीजिए। व्हाट अबाउट द अल्ट्रा रैशनलिस्ट, द कम्युनिस्ट, द स्टालिनिस्ट रिजीम्स? नो, दे आर नॉट रैशनलिस्ट, दे आर कम्युनिस्ट। दे हैव फेथ, दे बिलीव इन कम्युनिज्म।
I am not only against religion or spiritualism, which is the debris of religion. I am against faith. If communism is your faith, then you are as bad as a religious person. मैं थोड़ा सा अलग देखता हूँ, हालांकि होना उल्टा चाहिए. आप मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं, और अगर सफ़ेद बाल वाला प्रॉपर ये बात कहता तो शायद ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता. जब मैं यंग था तो मैं एग्जैक्टली ये सब बात कहता था. एथिस्ट भी अपने आप को यूं करके डिक्लेयर करता था, और ना तब कभी पूजा पाठ अपने तरीके से करता था, ना आज करता हूँ. और अमूमन लोगों को कहता हूँ यार कुछ और काम कर लो ना. लेकिन ओवर द ईयर्स आई हैव ग्रोन मोर एंड मोर टॉलरेंट ऑफ रिलीजन्स. अब मैं अपने आप को एग्नोस्टिक कहता हूँ. एथिस्ट इसलिए नहीं कहता कि एथिस्ट को पता है कि वो नहीं है. मुझे पता नहीं. पता होना भी एक खास तरह का वो फेथ है. मगर दूसरी चीज ये, मैं वाकई ये मानता हूँ. देखिए, रिलीजन क्या है? वो अंधे की लाठी है. मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कोई लाठी चाहिए. हम सबको लाठी चाहिए होती है. जिस दिन हम बिल्कुल पिट गए, लुट गए, उस दिन सुबह उठते हैं और पूछते हैं कि अच्छा मुझे करना क्या है जिंदगी. बस ये ऊपर वाला वही काम करता है. ऊपर वाला अमूमन ज्यादातर लोगों के लिए अपने आप से बात करने का एक बहाना है. और वो है तो मैं कौन होता हूँ उसके बीच में आने वाला. वो अपने आप से बात कर रहा है ना. कोई अपने आप से अपने फेवरेट नॉवल के जरिए बात कर रहा है, कोई अपने आप से किसी फिल्म के जरिए बात कर रहा है, कोई भगवान की मूर्ति को सामने रख के अपने आप से बात कर रहा है. तीनों डायलॉग में मैं बीच में नहीं आना चाहता, बशर्ते कि वो अपने आप से सिंसियर बातचीत हो. रिलीजन और इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन में मैं फर्क करता हूँ. जहाँ इंस्टीट्यूशन, ये पंडे और ये मौलवी और ये पादरी ये आ जाते हैं, वहाँ मामला बिगड़ना शुरू होता है. क्योंकि वहाँ पूरा का पूरा एक अब वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया कि मैं तुझे बताता हूँ, भगवान से तेरा संपर्क मैं करवाता हूँ, इंटरमीडिएटरी मैं हूँ. वहाँ टोटल पाखंड, फ्रॉड और करप्शन शुरू हो जाता है. तैयार है तुम्हें? रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? यू आर रेडी? यू आर रेडी? रेडी? ओ ओ शिकार आ रहा 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 टच 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 ओ ओ ओ ओ टच ओ ओ ओ ओ बा 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 रहा 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 येशूच्या पवित्र नावात तुमच्या दोन्ही किन्नीत बरे होत, दोन्ही किन्नीत बरे होत. ओ ओ ओ ओ ओ ओ शिकार आ रहा 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 ओ शिकार आ रहा कुछ भी। लेकिन ये रिलीजन जो लोगों से इतनी बुरी चीजें करवाता है, मैं मानता हूं, मैंने देखा है, वो लोगों को बहुत सुंदर काम करने की प्रेरणा भी देता है. इतने लोग अपने आप से ऊपर उठ के भगवान के नाम पे, किसी नाम पे ऊपर उठते हैं और कुछ करते हैं. यही रिलीजन दंगे भी करवाते हैं, और यही रिलीजन उन दंगों में कुछ लोगों को प्रेरणा देते हैं कि दूसरे धर्म वालों को बचाएं. तो मैं रिलीजन के लिए, हमारे ट्रेडिशंस के लिए, हमारी परंपराओं के लिए मैं आजकल ऐसा रुख रखता हूँ कि देखिए, नदी है, नदी आ रही है, नदी में कूड़ा भी आ रहा है, बालू भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन मैं उस नदी का पानी पीने से इनकार नहीं करता क्योंकि उसमें कूड़ा आ रहा है, मैं छान लेता हूँ. तो मैं रिलीजन को, ट्रेडिशंस को इस तरह से देखता हूँ कि भाई नदी है, पानी पीऊँगा, छान लूँगा, इसमें जो कूड़ा है उसको थोड़ा अलग कर दूंगा, इतना फर्क. शराब के बारे में क्या राय है योगेंद्र जी? आपको लगता है शराब अच्छी चीज है, बुरी चीज है? अपने आप में ना अच्छी है ना बुरी है, लेकिन खास तौर पे आजकल मैं जब गांव वगैरह में घूमता हूँ तो उसका बहुत बुरा असर देखता हूँ. और कभी कभी गांव में घूमते वक्त मुझे लगता है कि इसको
इसको तो बंद करवा दिया जाए तो बेहतर है। गांव के अंदर जो देखता हूँ तो उसका असर, जब आप शहरों में घूमते हैं तो मजहब का धर्म का बुरा असर नहीं देखते? दोनों देखता हूँ, देखते हैं ना, नेगेटिव भी देखता हूँ, पॉजिटिव भी देखता हूँ। करेक्ट है, अभी उसके भी तो पॉजिटिव्स हैं शराब के, रिलैक्स हो जाता है आदमी, एक दूसरे के बहुत ही दवाओं में भी अल्कोहल इस्तेमाल होती है तो, मगर आप सही कह रहे हैं, आपकी जो उससे नफरत थी वो अपनी जगह जायज है, इसलिए कि आम तौर से शराब मिसयूज ही होती है। करेक्शन ना, यही बात धर्म के बारे में हो सकता है, इसमें कुछ इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन, वो मैं आपको बिल्कुल सहमत हूं। इट इज लाइक सेइंग कैंसर के तीन ही सेल रहे बॉडी में तो चलेगा, वो नहीं हो सकता, उसका नेचर है मल्टीप्लाई होना। एग्जैक्टली, वो मल्टीप्लाई ही होगा, उसे आप रोक ही नहीं सकते। वहां वजह क्या है और आप उसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाएंगे कि आपने एक जगह ये कह दिया कि मैंने अपनी फेथ रख दी। फेथ क्या रख दी? मैंने अपनी अकल सरेंडर कर दी। अब आपने जब अकल ही सरेंडर कर दी तो आपकी नकील तो कोई भी पकड़ लेगा, घेर ले जाएगा। फिर जब तक कि आप क्वेश्चन करते रहते हैं तो रुक सकते हैं, जब क्वेश्चन करने की आपको सहूलत चली गई तो फिर आप बेबस हैं, फिर आपका कुछ भी हो सकता है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि अगर इससे सुकून भी आपको मिलता है तो सुकून तो ड्रग्स से भी मिलता है, मगर वो सुकून सच्चा सुकून नहीं है। एक आदमी धर्म के नाम पे नेकी करता, बड़े शर्म की बात है, वैसे नेकी नहीं करता वो, तो ना करे फिर, वो भगवान को खुश करने के लिए नेकी कर रहा है। अरे भाई, हम एथिस्ट है, जो एथिस्ट हैं वो सब के सब जेब कसरे, मर्डरर, रेपिस्ट तो नहीं है ना? ये लोग नेकी क्यों करते? बिकॉज दे थिंक ये काम सही है, करना चाहिए। मैं उस आदमी को लुकडाउन करूंगा जो स्वर्ग के लिए, जन्नत के लिए नेकी कर रहा है। क्या आदमी है ये? स्वर्ग जन्नत की बात है, नहीं है। मैं बताऊं, भगवान के डर से कर रहा है। अगर ना भगवान के डर से कर रहा है, ना भगवान को खुश करने के लिए कर रहा है, तो फिर तो एथिस्ट है वो। होता यह है कि एक बच्चा पैदा होता है और माँ बाप उसे इससे पहले के बच्चे के पास कोई चॉइस हो अपना धर्म उसमें इंजेक्ट कर देते हैं पूरे का पूरा। अब वो बच्चे को कोई चॉइस थोड़ी होती है, वो वही सीख लेता। कमाल की बात यह है कि अभी जिक्र हो रहा था कि अगर माँ बाप दोनों डॉक्टर हैं या माँ बाप दोनों इंजीनियर हैं या माँ बाप दोनों बैंकर हैं तो ऐसा नहीं करते ना कि बच्चे को बचपन से ही इंजीनियर बनाने लगते हैं या डॉक्टर बनाने लगते हैं। तो भाई, बचपन से ही मुसलमान या हिंदू क्यों बनाने लगते हो बच्चे को? उसको चांस दो। ऐसा तो नहीं ना कि 2 साल के बच्चे को इंजीनियरिंग का कोर्स शुरू करवा देते हैं, ऐसा नहीं करते ना। उसी तरह से आप छोड़ दीजिए बच्चे को, बल्कि मैंने एज एन एथिस्ट मैंने सिर्फ इतना किया कि उनको कोई रिलीजन के पास नहीं ले गया। बाकी अगर आप बच्चे का बचपन में ही दिमाग खराब नहीं करेंगे तो बड़े होके तो एथिस्ट ही बनेगा, और क्या बनेगा। जरा अगर किसी को मेरी बात पे शक है तो एक काम करिए कि अब कोई बच्चा पैदा हो आपकी फैमिली में, उसको कोई रिलीजन मत दीजिए, और जब वो 18 साल का हो तो उसे कही बेटा तुझे जो धर्म पसंद है वो ले ले, वो कोई भी नहीं ले। दूसरे ये कि जो धर्म है वो आपको दो बेसिस पे चलता है, लालच और डर, तीसरी कोई नहीं। आपको लालच ये है कि है मुझे सुकून दे देगा, मुझे शांति दे देगा, मेरे बेहतर अच्छे दिन ले आएगा। एक गलत जगह वो भी है अच्छे दिन ढूंढने की। तो ये कर देगा, आप उसमें पड़े हुए, या खौफ कि भाई हमें उसको भी मुंह दिखाना है और ये क्या करेगा अगले जन्म में, तो हम पता नहीं क्या हो जाएगा, और अगला जन्म मुसलमानों का नहीं होता, वो सीधे ऊपर जाते हैं तो हम जहन्नुम में चले जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी नेकी अगर किसी भी उम्मीद के साथ की जाए या किसी खौफ के साथ की जाए तो दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है। कोई भी सुकून जो किसी झूठे सहारे पे हो वो ट्रेजिक है। कोई भी बात जो आप किसी और को सामने रख के अपने आप से कर रहे हो उसको साइकोलॉजी में स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। ये बीमारियां हैं, लेकिन इतने लोगों को बीमारी है कि आप कुछ कह ही नहीं सकते। वी आर लिविंग इन अ एरा ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया दैट अ मैन हु वर्क्स फॉर नासा एंड कैन मेक अ रॉकेट विच विल गो
at a precise spot of a planet, reads the same book which created problems in Galileo's life, and with total reverence, this is schizophrenia. Anybody who is educated in 20th century, educated, and has religious belief is a sick person. But you're saying, agar hamare country was religiously neutral, or let's say like China, almost atheist, we'd be doing better? पहले तो मुझे मालूम नहीं है कि चाइना कितना ए रिलीजियस हो गया है. रशिया तो नहीं हो पाया. इन्होंने किया क्या कि रिलीजन्स को बैन कर दिया. बहुत गलत बात है. रिलीजन तो पढ़ाने चाहिए. हर स्कूल में सारे रिलीजन डिटेल में पढ़ाए जाने चाहिए, तब ही लोगों को मालूम होगा कि उनके रिलीजन कितने गलत हैं. लोगों को ने अपनी रिलीजियस बुक्स ही नहीं पढ़ी हुई है, वो उनकी इज्जत करते हैं बस. लोगों ने अपने रिलीजन के बारे में जाना ही नहीं है, बस एक और है. इसीलिए 99% लोग जिस धर्म में पैदा होते हैं उसी धर्म में मरते हैं. ये उनकी चॉइस थोड़ी है, ये उनकी कंडीशनिंग है. आप ड्राइवर रखते हैं 10 सवाल करते हैं, कुक रखते हैं 10 सवाल करते हैं, चौकीदार रखते हैं कभी कभी नहीं करते, गलती करते हैं, उससे भी करना चाहिए. चौकीदार हाँ, तो उससे भी सवाल करना चाहिए कि भाई तुम क्या करोगे. मगर आप गॉड रखते हैं बिना सवाल किए. I'll give you another example. Perhaps that will be more direct and more appropriate. Gautam came out of a palace and went into wilderness to find the truth. But nowadays we say that modern age gurus come out of wilderness and wind up in the palaces. Sir, they are moving in the opposite direction. तो आप ऐसे कीजिएगा, कभी जाके चेक कीजिएगा मुंबई में दिल्ली में कि ये जितने लोग धर्म के नाम पे बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हैं, जो ये तरह तरह की सेना बनाते हैं, इनमें से कितने लोग एक्चुअल बिलीवर्स हैं. मुझे थोड़ा सा शक है. मुझे शक इस बात में है कि जैसे मोहम्मद अली जिन्ना वो खास मुसलमान थे नहीं, उन्हें इस्लाम से कोई लेना देना था नहीं. उनकी जब बाद में डायरीज निकली किन किन चीज़ों पे वो खर्च किया करते थे, अब पाकिस्तान उसे बताने को तैयार नहीं क्योंकि बहुत एम्बेरेसिंग डिटेल्स हैं सबके अंदर कि जिन्ना साहब क्या क्या किया करते थे. और मुझे यकीन है कि जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट इत्यादि बताते हैं इस देश में, उनकी भी जब असलियत खुलेगी तो कुछ ऐसी ही खुलेगी. ये जो है रिलीजन से इनका कोई खास ताल्लुक होता नहीं है, रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं. और मुझे कई बार डर लगता है कि जो रिलीजन से एम्प्टी आउट हो गया है और जिसको कोई अल्टरनेटिव एथिक्स का सोर्स मिला नहीं है, वो सबसे खतरनाक है कभी कभी मुझे लगता है. लेकिन सर देखिए, रिलीजन का एथिक्स से कोई वास्ता ही नहीं. रिलीजन जो है, अगर आप रिलीजियस होने के बावजूद शरीफ आदमी है, बहुत मैं आपकी बहुत इज्जत करूंगा. मामूली आसान काम नहीं, वाकई मुश्किल काम है. हमारे लिए आसान है, हम तो रिलीजियस नहीं, हम शरीफ हो सकते हैं. जो रिलीजियस है और फिर भी शरीफ है तो वो तो कमाल का आदमी है, हमसे बहुत बेहतर है वो, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन जहाँ तक उन्होंने कहा ना, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना की मिसाल दी, सावरकर वॉज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड एथिस्ट. अगर अडवाणी जी की जो बहू थी, उन्होंने जो स्टेटमेंट लिबरल कमीशन में दिया था वो सही था, तो फिर अडवाणी जी भी समझिए चीज थी. अयोध्या में क्या होना चाहिए? भैया बड़ा गलत सवाल कर रही है. मैं तो बड़ा अधर्मी आदमी हूँ, समझे? मैं तो अयोध्या क्या, पूरी दुनिया में कहीं कोई रिलीजियस जगह ना हो तो मैं तो बड़ा खुश हो जाऊँ. मुझे कोई दिलचस्पी ही नहीं है धार्मिक जगहों से, वो कोई हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजा हो, कुछ हो, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं. तभी आपको चारों तरफ से होगा. ये चारों तरफ नहीं है, ये सिर्फ दो तरफ है, दो और तरफ है जो मेरी तरफ है. क्या बात. ए शट अप या कुणाल, शट अप या कुणाल, शट अप या कुणाल. You know, it just takes half a second to turn an atheist into a follower. Wait, are you ready? Sir. Just tell him, don't trust whatever I say. If he follows that he has followed,
Otherwise he trusts you. Did you get it? You tell someone, don't follow me, if they take your word, either they will follow your word or they follow you. Did you get it? Are you with me? You know, you tell someone, don't trust me, and if they literally take your words, they have followed you. Did you get it? And if you don't, if they don't trust you, then they definitely trust you. They don't trust your word. Either they trust your word or they trust you. So it's better to tell a person, don't trust me. Did you get it? Kuch bhi! Kuch bhi! Yeah. Logic ke badle mein soldier milta hai. जो उसको ऑरेंज लड्डू मिलता है यही देश नहीं जुमलों की रेस है इसमें सच ने किया कैमोफ्लेज फेस है देखो मैंने अब सवाल करने छोड़ दिए हैं मैंने तेज भागने को नए जूते लिए हैं मेरे सारे सपने धीरे धीरे मर रहे हैं मैचिंग में हमारे जवान लड़ रहे हैं